मंत्री बनने का इंतजार करते रहे ओपी राजभर, इधर बीजेपी ने कर दिया खेल। ओम प्रकाश राजभर से पहले बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को दिया बड़ा तोहफा। आखिर कब तक ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में रहेंगे मंत्री इन वेटिंग। पूर्वांचल में दो नेताओं के भाजपा में मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं पिछले कई महीनों से चल रही हैं। एक है सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दूसरे सपा छोड़कर भाजपा में आए दारा सिंह चौहान। घोसी उपचुनाव के बाद मंत्री बनाए जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने राजभर से पहले ही दारा सिंह चौहान को बड़ा तोहफा दे दिया है। पार्टी ने विधान परिषद उपचुनाव के लिए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होना। समाजवादी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान घोसी उपचुनाव में हार गए। हालांकि सदन में बीजेपी की स्थिति को देखते हुए उनका MLC बनना तय माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी विधान परिषद की खाली सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 10 नामों पर चर्चा हुई। कोर कमेटी ने कुछ नामों का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था। इस बैठक के बाद ही दारा सिंह चौहान के नाम को हरी झंडी मिल गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी है और 30 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। दारा सिंह चौहान घोसी से सपा के विधायक थे, हालांकि उन्होंने अखिलेश का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। वह अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद घोसी सीट पर उपचुनाव में वह सुधाकर सिंह से हार गए। घोसी में उपचुनाव हारने के बाद जितनी चर्चा दारा सिंह चौहान की नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर की थी, क्योंकि उन्होंने अपने बड़बोलेपन के कारण खूब दावे किए थे। हालांकि उसके बाद भी अक्सर वह दावा करते थे कि जल्द ही वह मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसको लेकर आए दिन चर्चाओं में रहते थे। दिनेश शर्मा के MLC छोड़कर राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान को योगी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर और इन दोनों नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।